subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तरुण स्टडी स्पेशल क्लासेज। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल का दो वीडियो बनाया हूँ मैं, पार्ट वन पार्ट टू। और मैं आज आप लोग के साथ आ गया हूँ अगले टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक क्या है? रिमूव टू। अगर आप लोगों ने आर्टिकल का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस पार्ट वन और पार्ट टू का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो के आई बटन में भी मैंने दे दिया हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं उस दोनों पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो को देख सकते हैं। आइए, मैं आप लोगों को आज आया हूँ लेकर के रिमूव टू। तो रिमूव टू अब होता क्या है? देखिए, रिमूव टू क्या बोलते हैं हिंदी में हम? रिमूव टू मतलब क्या होता है? हटाना। क्या होता है? हटाना। देखिए, रिमूव टू, देखिए टू का रिमूव हो गया मतलब हटाना, और टू देखो, देखिए टू का मतलब क्या है? मोर देन रिक्वायर्ड, अर्थात जरूरत से ज़्यादा या अधिक। क्या हुआ? मोर देन रिक्वायर्ड, अर्थात जरूरत से ज़्यादा या अधिक। देखिए है ना, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया हूँ, देखिए टू गुड, और टू गुड हुआ ना, तो ये टू गुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, जरूरत से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों? देखिए, कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है, देखते हैं। देखिए, अब हो गया टू गुड, ये तो बता दिया हूँ, कोई व्यक्ति जरूरत से अच्छा नहीं हो सकता है। देखिए दूसरा हो गया टू ब्यूटीफुल, अर्थात कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकता है, जरूरत से ज़्यादा अधिक सुंदर नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों? देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ रिमूव टू। देखिए, रिमूव टू बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, कुछ महत्वपूर्ण। देखिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको। रूल नंबर फर्स्ट में आप देखिए, मैं पहला नियम इसका देखिए, टी डब्ल्यू को हटाकर हम क्या करते हैं? शो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? टी डब्ल्यू को हटाकर हम क्या करते हैं? शो का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा हूँ ना यहाँ पे, टी डब्ल्यू को हटाकर शो का प्रयोग करते हैं। रूल सेकेंड देखिए, टी ओ को हटाकर क्या करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। टी डबल ओ को हटाकर शो का प्रयोग करते हैं, और टी ओ को हटा क्या करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए, या इसका देखिए रूल नंबर थर्ड, दैट के बाद पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या करते हैं? दैट के बाद पहले सब्जेक्ट को हम लिखते हैं। इसका देखिए फोर, रिमूव टू का रूल नंबर फोर, देखिए क्या नियम, दूसरे सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुडंट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट को ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैन नॉट को कांट बोलते हैं शॉर्ट में। कैन नॉट या कुड नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कुडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुडंट बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं। देखिए नो, इसका मैं आप नोट ले, आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैन नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे और कुड नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए नोट नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कांट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के साथ हम करते हैं। किसके साथ करते हैं? कांट का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के साथ करते हैं। और इसका नोट का सेकंड देखिए, कुडंट का प्रयोग पास्ट टेंस के साथ किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पास्ट टेंस के साथ कुडंट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट देख लीजिए, श्याम इज टू गुड टू राधा, सॉरी यहाँ पे है देखिए, श्याम इज टू गुड टू रोहन, है ना? अर्थात श्याम इतना अच्छा कौन है? रोहन। वह हुआ ना, अब इसको हम बनाते हैं, वो देखिए अच्छा से देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए श्याम इज हम आपको बताया हूँ कि देखिए जो टू को हटा क्या करते हैं? शो का प्रयोग करते हैं। श्याम इज हो गया शो गुड है ना, देखिए गुड, अब हम टी को क्या लिखते हैं? दैट। श्याम इज सो गुड दैट, दैट के बाद क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। दैट यहाँ श्याम है तो श्याम का क्या हो गया? ही। दैट ही पहले सब्जेक्ट का क्या करते हैं? कांट का प्रयोग करते हैं। कांट का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस हम क्या करते हैं? कांट का प्रयोग करते हैं, है ना? अपने इज है लगा हुआ ना, प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस क्या करते हैं? कांट का प्रयोग करते हैं। हो गया यहाँ पे श्याम इज सो गुड दैट सी कांट, सॉरी श्याम इज सो गुड दैट ही कांट, ही कांट क्या हो गया? रोहन हुआ। देखिए बन गया, यही उसका सही है, बन गया। देखिए अच्छा है, बहुत अच्छा है तरीका से मैं बताया हूँ आपको, तो आपको अच्छे समझ में आए। देखिए एग्जांपल सेकंड देखिए, आई एम टू ब्रेव टू यू, मैं इतना बहादुर हूँ। इतना बहादुर कौन है? तुम हो या आप हो, हुआ ना? यू को हम आप भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही बात है, देखिए आई एम टू को क्या लिखते हैं? सो लिखते हैं। देखिए आई एम सो ब्रेव, अब हम टी ओ का क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं, लिखते हैं ना आई एम सो ब्रेव दैट,
अब देखिए, अब आपको ये बात समझना है अच्छे से। देखिए मैं आपको बताया हूँ, जो कोई भी होगा नाम आएगा तो उसको हम लिख देंगे ही, पुरुष रहेगा तो ही लिखेंगे, महिला रहेगी तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। लेकिन अगर आय रहा, यू रहा, दे रहा, ही आय रहा, यू रहा, दे रहा, वी रहा, इस सब साथ हम डायरेक्ट ही उतार देंगे, उसमें कोई अच्छी समझ की बात नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। देखिए आई एम सो ब्रश ब्रश दैट, आई है ना पहला सब्जेक्ट, तो आई कांट क्या हो गया, आई कांट यू हुआ ना। देखिए हो गया, इसका भी सही है। अब इसका एग्जांपल हम अब थर्ड देखिए, देखिए थर्ड है द टी इज टू हॉट टू वाटर, है ना दोस्तों। देखिए द टी इज टू हॉट टू वाटर, अर्थात चाय इतना ग्राम है, इतना ग्राम क्या है, पानी है, क्या है, पानी है। इसको हम बनाएंगे, सो देखिए अच्छा से इसको हम बना रहे हैं। देखिए द टी इज टू को हम क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं, द टी इज सो हॉट, और टी ओ को हटा क्या लिखते हैं, दैट। अब आपको ये समझना है, अब तो हम बताए हैं आप लोगों को जो पहले सब्जेक्ट को दैट का पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो द है अर्थात रिमूव टू में द का क्या हो जाता है, इट हो जाता है, क्या हो जाता है, इट, आई टी, इट हो जाता है द का। देखिए द टी इज सो हॉट दैट इट कांट, इट कांट क्या हो गया, वाटर। नहीं होता तो मैं आप लोगों को नोट में लिख भी देता हूँ यहाँ पे। देखिए नोट का सेकंड हो गया, अब थर्ड देख लीजिए नोट का, थर्ड और है। देखिए देखिए मैंने लिख दिया हूँ, रिमूव टू में द को इट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इट लिखा जाता है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है, जो आप लोगों को ये सब बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मैं इसीलिए आपको बहुत बार बताया हूँ, तोड़ तोड़ के बताया हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक है, मैं आप इस बीच आप इस क्वेश्चन को या तो नोट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, या तो अपने मोबाइल फ़ोन पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको उतना बताया था, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देता हूँ, आपको समझ। वैसे आप अगर ये समझ गए हैं चारों रूल तो इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस अदर वर्ड, है ना। अब इसको हम बनाए हैं क्या, देखिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस सो, हम टू को क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं ना। देखिए सो प्लस एडजेक्टिव, प्लस एडजेक्टिव क्या लिखते हैं, दैट, क्या लिखे हैं, दैट एडजेक्टिव है ना दोस्तों। देखिए टू है, टू को क्या लिखते हैं, दैट, दैट पहला सब्जेक्ट आ गया, पहला सब्जेक्ट में क्या हो गया, मान लीजिए पहला सब्जेक्ट यही है, यही हम लिख दिया सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं ना। देखिए वही मैंने लिखा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको, या फर्स्ट देखिए ही इज टू बिजी टू वर्क, मतलब कि देखिए इसका हो गया, वह इतना व्यस्त है कि टहल नहीं सकता, क्या है, वह इतना व्यस्त है कि टहल नहीं सकता है। देखिए उसको हम बताते हैं स्ट्रक्चर पर, देखिए देखिए ही इज हो गया है ना, हेल्पिंग वर्ब ही इज सो हुआ बीजी है ना, एडजेक्टिव बीजी, दैट टू क्या लिखते हैं, दैट दैट प्लस सब्जेक्ट आ गया, दूसरा सब्जेक्ट आ गया, देखिए यहाँ क्या है, तो ही है तो ही लिखेंगे, दैट ही के बाद क्या लिखते हैं, सब दूसरा सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट, यहाँ क्या लिखेंगे हम, कैन नॉट, क्यों लिखेंगे कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का क्या हम बताएं आपको, कैन नॉट का उपयोग करते हैं। देखिए उसको हम कांट भी बोलते हैं शॉर्ट में। देखिए हो गया ही इज सो बिजी दैट ही कांट, दैट ही कांट हुआ ना, अदर वर्ड है दैट ही कांट क्या हो गया, वाक हुआ, सही है इसका। देखिए अब इसका एग्जांपल नंबर आप सेकंड देख लीजिए, सोहन इज टू लेजी टू ड्रिंक द वाटर, अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोहन इतना आलसी है कि वह पानी नहीं पी सकता है, क्या है, सोहन इतना आलसी है कि वह पानी नहीं पी सकता है। देखिए अब इसको हम बनाते हैं, वो देखिए
अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ जरूर आएगा। सोहन इज हुआ ना, देखिए एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं। सोहन इज टू को क्या लिखते हैं, सो, जो कि मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में भी है सो लिखे हैं, सो लिखे हैं। अब एडजेक्टिव है तो हो गया सोहन इज सो लेजी, एडजेक्टिव क्या हुआ, लेजी। टू को क्या लिखते हैं हम, दैट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, दैट का क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट मेरा क्या है, सोहन। सोहन क्या है मेरा, पुरुष है एक महिला, तो पुरुष है ये। पुरुष के साथ हम क्या, पुरुष को क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं, दैट ही के बाद क्या लिखते हैं, दूसरा सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट। इसमें भी हम क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे कैन नॉट का प्रयोग, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ बजान टेंस के साथ हम कांट या कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट को ही हम शॉर्ट में कांट बोलते हैं। देखिए, सोहन इज सो लेजी दैट ही कांट, दैट ही कांट ड्रिंक द वाटर। फन है, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, सोहन हो गया सब्जेक्ट मेरा, हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इसको हम, सो हो गया लिखते हैं सो। उसके बाद एडजेक्टिव हो गया मेरा, देखिए उसके बाद हो गया एडजेक्टिव आके लिखते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट मैंने कर दिया हूँ। दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट क्या हो गया, देखिए तो ही हो गया, दूसरा सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे सोहन, सोहन का ही हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, कैन नॉट या कैन नॉट या कुड नॉट, तो हम लिखते हैं कांट। और उसका अदर वर्ड मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट जो हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ यहाँ पे, ड्रिंक द वाटर। देखिए, सोहन इज सो लेजी दैट ही कांट ड्रिंक द वाटर। वाह, अब ये भी इसका सही है। देखिए, मैंने आपको बताया हूँ इतनी अच्छी तरह से, हमें लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे तरुण स्टडीज पर क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैंने आप अगले वीडियो जितना भी मैं अपलोड करूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, देखते रहिए तरुण स्टडीज स्पेशल क्लासेज। धन्यवाद।